नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश में आयोग और बोर्ड में भाजपा नेताओं का समायोजन तेजी से होता जा रहा है। इसी के चलते यूपी में लंबे समय से भंग चल रहे महिला आयोग का आखिरकार योगी सरकार ने गठन कर दिया है। जी हां, योगी सरकार ने महिला आयोग में बड़ा बदलाव करते हुए बबीता चौहान को यूपी महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया है। वहीं महिला आयोग में अध्यक्ष के साथ दो उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिसमें अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये बबीता चौहान हैं कौन, जिन पर सीएम योगी ने इतना भरोसा जताया है। तो आइए जानते हैं कौन है बबीता चौहान, जिन्हें योगी सरकार ने अपर्णा यादव पर तरजीह देते हुए उत्तर प्रदेश के महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है और राज्य की महिलाओं और उनके अधिकारों की रक्षा की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या वाकई अपर्णा यादव भाजपा छोड़ सपा में वापसी करने वाली हैं। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब भाजपा सरकार काफी एक्टिव नजर आ रही है। खासकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने खराब प्रदर्शन को सुधारने में लगी हुई है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने आयोग और निगम का गठन शुरू कर दिया है। इसी क्रम में यूपी सरकार ने राज्य महिला आयोग का गठन कर दिया है। जी हां, बीजेपी नेत्री बबीता चौहान को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सरकार ने जिन बबीता सिंह चौहान को राज्य महिला आयोग की जिम्मेदारी सौंपी है, वो आगरा जिले के सिविल लाइन प्रोफेसर कॉलोनी की रहने वाली बबीता चौहान मौजूदा समय में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही है। साथ ही यूपी बीजेपी कार्यकारिणी में सदस्य की भूमिका में भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ताज नगरी आगरा से ताल्लुक रखने वाली बबीता चौहान को एक साल के लिए राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई। बताया जा रहा है कि हाल ही में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। वहीं जहां एक ओर योगी सरकार ने बबीता चौहान को नया अध्यक्ष बनाया है, तो वही दूसरी तरफ स्वर्गीय मुलायम सिंह की छोटी भाजपाई बहू अपर्णा यादव को महिला आयोग में उपाध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई है। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ बीजेपी के साथ आने वाली अपर्णा यादव को लंबे समय से किसी पद की दरकार थी। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा और एमएलसी चुनाव से लेकर राज्यसभा चुनाव में अपर्णा यादव को टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अब तक कोई मंजिल नहीं मिल पा रही थी। अब बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अपर्णा यादव के साथ गोरखपुर की चारू चौधरी को भी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि चारू चौधरी गोरखपुर की पूर्व राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष मंजू चौधरी की बहू है। मंजू चौधरी भी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष रह चुकी है। लंबे समय से बीजेपी में जुड़े रहने के चलते अब उनकी बहू चारू चौधरी को राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गढ़ रही डॉक्टर प्रियंका मौर्य सहित कुल 25 बीजेपी नेत्रियों को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। चलिए अब आपको बता दें बबीता चौहान का सियासी सफर। 2023 में बबीता चौहान को भाजपा ने शेखोहाबाद की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस दौरान महिला मोर्चा में सक्रिय भूमिका निभाई। बबीता चौहान सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवी संगठनों से भी जुड़ी हुई हैं। बबीता खैरागढ़ से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। वर्तमान समय में आगरा की जिला पंचायत सदस्य हैं। इसके साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं। इसके पहले वो महिला मोर्चा ब्रज क्षेत्र की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो ये दूसरी तरफ खबरें हैं कि अपर्णा यादव बीजेपी से नाराज चल रही हैं। दरअसल अपर्णा उपाध्यक्ष पद मिलने से नाराज है। आपको बता दें, नई जिम्मेदारी मिलते ही अपर्णा यादव अपने चाचा ससुर शिवपाल यादव का आशीर्वाद लेने पहुंची। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अपर्णा यादव इसमें शिवपाल और उनकी पत्नी का पैर छूती नजर आ रही है। अपर्णा यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात के बाद राजनीति में भूचाल आ गया है। कहा जा रहा है कि अपर्णा बीजेपी से नाराज है और शिवपाल यादव के जरिए वो एक बार फिर सपा के संपर्क में है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अपर्णा उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, इस साल लोकसभा चुनाव से पहले भी अपर्णा यादव शिवपाल से मुलाकात करने पहुंची थी। तब शिवपाल ने कहा था कि अपर्णा यादव का बीजेपी में अपमान हो रहा है, इतने समय से जुड़ी रहने के बावजूद उनकी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। दरअसल यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपर्णा यादव का कद घटा दिया है। अपर्णा को उनके कद के मुताबिक ओहदा नहीं दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं।
लोगों का कहना है कि अपर्णा यादव 3 सालों से बीजेपी के साथ हैं, पर पार्टी ने उनकी अहमियत नहीं समझी। कम से कम उन्हें महिला आयोग का अध्यक्ष बनाना चाहिए था। गौरतलब है कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा ने सपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तब चर्चा हुई थी कि उनको लखनऊ के कैंट विधानसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव के बाद लखनऊ नगर निगम के चुनाव हुए, तब भी अपर्णा यादव के नाम की चर्चा हुई थी। करीब 3 साल पार्टी से जुड़ा रहने के बाद भी पहली बार बीजेपी ने अपर्णा यादव को जिम्मेदारी सौंपी है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। 2017 में सपा ने लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से अपर्णा यादव को टिकट दिया था, हालांकि तब वो बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से हार गए थे। वहीं अब जब उन्हें जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने खुद ही मुंह मोड़ लिया है। ऐसे में अगर वाकई अपर्णा भाजपा छोड़ दोबारा सपा में वापसी कर लेती हैं, तो राजनीतिक तौर पर ये बड़ा फेरबदल माना जाएगा। खैर, होता क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारी ये दी गई जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।